हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्रिजेन ज्ञान एक्सप्रेस। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के लिए आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं अपने चैनल पे आया हूँ। दोस्तों, मैं ये जो वीडियो था 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम विश्लेषण, जो मैंने कल अपलोड किया था रात में 9:30-9:45 पे, तो उसमें जो ये कमेंट आए हैं 135, इसमें मेरे बहुत सारे दोस्तों ने तरह तरह के प्रश्न किए हैं कि सर मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ, मेरा इतना है, मेरा उतना है, मैंने ये गलती की, मैंने वो गलती की, और कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या होगा। तो अब चूंकि सबको मैं एक एक करके रिप्लाई नहीं कर सकता, बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी जिनकी बहुत ज़रूरी प्रश्न है उनका मैं आंसर दूंगा, क्योंकि कुछ उटपटांग कमेंट भी आते हैं, आप जानते हैं, तो उनको इग्नोर करते हुए मैं जिन्होंने एक वाजिब क्वेश्चन किया हुआ है उनके प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा यहाँ पे। और देखिएगा, हो सकता है कि आपने प्रश्न ना किया हो, लेकिन आपका जो प्रश्न था उसका आंसर यहाँ पे आपके किसी दोस्त के कमेंट के द्वारा मिल जाए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आप किसी भी तरीके से जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है, आप परेशानी में हैं, क्या होगा, कैसे होगा, उन सबका जवाब मिल जाएगा। हालांकि इस वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि माननीय सचिव के द्वारा त्रुटि संबंधी जो एक आश्वासन दिया गया है उसको आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा देख लीजिए, तो ढेर सारे आंसर यहाँ मिल जाएंगे। और इस वीडियो में जो भी कमेंट आ रहे हैं, अभी चूंकि ये एक घंटे पहले मैंने अपलोड किया है, तो इस वीडियो के जो भी कमेंट आ रहे हैं इनका भी रिप्लाई मैं दूंगा एक छोटे से वीडियो के द्वारा। तो अभी मैं इस पे चर्चा करूंगा, और इस पे चूंकि अभी 42 कमेंट है तो इसको भी मैं रिप्लाई करूंगा। तब तक आप वेट करें, इसके कमेंट को मैं ओपन करता हूं और देखता हूं किनका क्या कमेंट है। देखिए, इन ये असहमत है, इनके मुताबिक ये कह रहे हैं कि भाई अभय सिंह के हम नहीं मानते कि 40% जो है बाहर हैं। तो भाई ये तो टाइम बताएगा अभय जी, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट करिए। वंदना जी ने कहा, वंदना दुबे ने उनका कि 62 जनरल सेफ है, बिल्कुल सेफ है, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, आप आराम करिए। और एक दोस्त ने कहा कि आप मिठाई बांटिए, किसी ने बोला यहाँ पे कि हाँ, ये नीतीश जी ने कहा कि आप मिठाई बांटिए, तो बिल्कुल आप सेलिब्रेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ कीर्ति जी ने कहा कि सर मेरे 65 हैं, जनरल में हूँ, बिल्कुल भाई 65। अब मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि अगर 50+ भी हैं, इवन आप पास हैं, तो भी आपको बिल्कुल उदास नहीं होना चाहिए, यू शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड, आपको निराश नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल सेफ हैं और कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बल्कि सपोर्ट किया कि यस, आप सेफ हैं। ये कह रहे हैं सर हम क्या सेफ हैं, जनरल 100। अरे भाई, जब 100 है प्रगति जी, तो आपको बिल्कुल, जब 50 वाले सेफ है तो 100 तो डबल सेफ हैं। ये देखिए, हालांकि मैंने रिप्लाई किया था नियुक्ति डेट पर होगी ना कि लिखित पे, हाँ ठीक है, पूरी एकेडमिक मेरिट पे बनने वाली है। अब ये रश्मि शर्मा जी कह रहे हैं 55 मार्क्स इन जनरल कैटेगरी, सिलेक्शन के क्या चांस है। बिल्कुल सिलेक्शन के चांस है, एकेडमिक मेरिट ठीक ठाक होगी, अच्छी होगी, और ये तो महज आपके उसमें जुड़ेगा, तो इसके लिए आप टेंशन ना लें। 60 OBC बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल मैंने लिखा भी है, बिल्कुल सेफ हैं, बहुत सारे आंसर मैं नहीं दे पाया था। शिक्षा मित्र हूँ, आपके सहयोग से 65 अंक आए हैं, क्या अपने सिलेक्शन उम्मीद कर सकता हूँ। उत्कर्ष त्रिपाठी जी बिल्कुल कर सकते हैं, शिक्षा मित्र हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 65 बहुत अच्छा स्कोर किए हैं और मेरा सहयोग रहा ऐसा आप मानते हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और आप बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल टेंशन ना लें। हालांकि इन्होंने, आशीष मिश्रा जी ने कुछ कहा कि भाई ये परीक्षा क्वालिफाइंग परीक्षा है, इसमें कितने नंबर पर कोई सेफ होगा, कैसे क्लियर होगा, अभी इसका 60% ही जुड़ेगा 40 एकेडमिक। हाँ बिल्कुल सही है आशीष जी का कहना, लेकिन ये है कि जो सेफ वाली बात है इस परीक्षा को लेकर, जो सेफ वाली बात है उस बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप पास हैं, 50+ है तो सेफ हैं, बाकी आपकी एकेडमिक मेरिट भी मैटर करेगी, आपकी BTC की मेरिट भी मैटर करेगी, तो वो तो आप जान ही रहे हैं, आप पूरा जोड़ के आपको फाइनल कट ऑफ निकाल सकते हैं। अभय सिंह कह रहे हैं कि पेपर कठिनता बावजूद इसके पास मार्क 33% है, मेरे विचार से 10% अभ्यर्थी फेल होंगे, मतलब 90,000 के लगभग पास होंगे। आपका विचार ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपको ये मान के चलना चाहिए कि भाई 90,000 पास हैं, तो पास में सबके सब तो जो है जॉब की दावेदारी में नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते जो पेपर देते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, यूपी का डोमिसाइल नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको लेकर के परेशान ना होइए। और 4-5% छूट गया। ईशा शर्मा के नहीं, सर मेरे 4-5 क्वेश्चन में कटिंग हुई है और कॉपी तो रिजेक्ट नहीं होगी। बिल्कुल कटिंग के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, अभी मैंने इससे पहले की वीडियो में कहा कि कटिंग के लिए आप परेशान बिल्कुल ना होइए। 80 नंबर सेफ हैं,
सर जनरल की सीट कितनी है इसमें? अभी सीट के बारे में कोई नहीं जानकारी है कि हम आपको बता दें कितनी सीट है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग निकाली जाएगी। थैंक यू बोला इन्होंने और 100+ हैं बी इंडियन ने, बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा स्कोर किया आपने। सर इसमें नहीं है ई एस ए क्योंकि सभी टेट पास हैं, सभी गुड हैं। हाँ ठीक है, सभी टेट पास सभी गुड हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते जिसने एग्ज़ाम फेस किया सब गुड ही हैं, ऐसा नहीं है। हर कोई टेट बहुत अच्छे से भी नहीं पास हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो कि जो जितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको आप, हाँ किसी को कमज़ोर नहीं समझना सही है, लेकिन आप भी सेफ़ हैं, आप भी किसी से कम नहीं है, ऐसा आप मान के चलिए। 60 से 70 जनरल हूँ बिल्कुल होगा, निधि रुपेश सिंह बिल्कुल हो जाएगा, 60-70 के बीच में है, तो मैंने 50+ को कहा है। और ये 52 विकास आनंद जी ने कहा कि 52 मार्क्स हैं, लेकिन लास्ट में जो टोटल नंबर लिखने थे उसे मैंने केवल अंकों में लिखा है, शब्द मैंने। अरे दोस्त क्यों परेशान होते हैं भाई, जिन्होंने टोटल नंबर नहीं लिखा उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने तो लिख भी दिया है शब्दों में नहीं लिखा तो प्लीज़ आप टेंशन ना लें। बिल्कुल आपने कहा बहुत टेंशन हो रही है, बिल्कुल टेंशन ना लें, एकदम बी कूल, जस्ट चिल जाइए, पार्टी करिए, एंजॉय करिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, मस्ती करिए। आप बिल्कुल इसके लिए टेंशन ना लेके आपने वहाँ पे नहीं लिखा है, वो बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। चलिए कुछ और कमेंट को देख लेते हैं, बहुत लंबा वीडियो तो नहीं जाना चाहिए। अब ये है अमित कुमार पांडे जी, 75 हैं, सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं? ये एग्ज़ाम पास कर चुके हैं आप, सिलेक्शन होगा, आपके एकेडमिक मेरिट बेहतर होगी तो निश्चित रूप से होगा। 85+ हाँ बिल्कुल हैं आपसे, 75 OBC कैटेगरी, रिया सिंघम जी बिल्कुल सेफ हैं। 95+ तो कोई आपको हटा ही नहीं सकता दोस्त, 100 नंबर बोलकर नहीं आते लिख कर आते हैं, 100 नंबर बोलकर नहीं आते लिखा हो। बिल्कुल सर्वेंद्र जी आपका कहना सही है, बाकी गॉसिप में नहीं पढ़ते हैं, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उसको मैं यहाँ रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बड़ी टेंशन खत्म कर दी, शुक्रिया। 71+ जनरल में जिसमें ओवर राइटिंग ऐड नहीं है, अगर ऐड हुई तो वेरी गुड। अग्रिमा सिंह जी आप बिल्कुल सेफ हैं, बहुत अच्छा स्कोर किया आपने, कंग्रेचुलेशन। और शेफाली चौहान जी कह रही हैं कि सर वन क्वेश्चन का आंसर कटिंग करके दोबारा लिखा है तो क्या उसका मार्क्स मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, कटिंग करके दोबारा लिखा है तो लिखा तो है वो मिलेगा। कटिंग जिस वहाँ पे अभी जो मैंने पहले वीडियो दिया, तो अगर आपने कटिंग कर दिया किसी चीज़ को तो उसको चेक नहीं करेंगे वो, जाहिर कटिंग करके लिखा है तो बिल्कुल नंबर मिलेगा, क्यों परेशान होते हैं। दीपक शाक्या जी कह रहे हैं कि सर मैंने शिक्षण कौशल की वीडियो आपके चैनल से पढ़े हैं जो कि मेरे लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है, बहुत बहुत शुक्रिया। 70+ SC में सेफ, बिल्कुल सेफ। शिक्षा मित्र का 25% वेटेज भी है, हाँ वो सब है भाई, क्यों उसको यहाँ पे खींच रहे हैं? सर मेरा 56 आ रहा है, हाँ बिल्कुल सेफ है, 56 है भाई, 75 है, मेरठ से हूँ, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिले तो कितने नंबर पर, ये तो अभी डिसाइड नहीं होगा भाई। एकता चौधरी जी इसके लिए अब अभी नहीं बता पाएंगे कि अपने ही डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना क्या चाहिए, क्योंकि आपकी अकेडमिक मेरिट भी मैटर करती है, और BTC की मेरिट, और बाकी ये आपने 75 स्कोर किया, बहुत ही सम्मानजनक स्कोर है, तो वो सब जोड़ के ही ये आपकी कट ऑफ तैयार होगी फाइनल सेलेक्शन की। 75 है अंकिता यादव जी, OBC होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। 80+ होगा मुकेश सविता जी, बिल्कुल होगा। तो दोस्तों बहुत सारे कमेंट यही सब है, मैक्सिमम जितने कमेंट यहाँ पे हैं 80+ हाँ सेफ हैं भाई, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। 80 नवनीत सिंह जी ने 80 पाया है, बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस। और 49 ही रह गए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे 49 है, तो आई थिंक आपको निराश नहीं होना चाहिए, अब भी सेफ ही हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान ना हो आप। 67 पे सेफ हैं, 83 है बिल्कुल सेफ हैं। कटिंग करने के नंबर मिलेंगे, मिलेंगे कटिंग करके लिखा होगा तो हाँ बिल्कुल मिलेगा। सोनी 84 जी ने पूछा है नंबर मिलेगा। सर इस भर्ती में जनरल की सीट कितने हैं अभी? ये तो भाई मैंने कहा कि बाद में आपको क्लियर किया जाए, डिस्ट्रिक्ट निकलेगा। ये पुतान वर्मा जी लिख रहे हैं कि सर जी मेरी बुकलेट में एक स्थान पर सीरीज नंबर गलत हो गया। डोंट वरी, ये सब आपके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसके लिए सचिव महोदय ने कहा है कि वो सब कंसिडर करके आपको आपकी आपकी बुक आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा, तो इसके लिए परेशान ना हो। निषाद जी कह रहे हैं थैंक सर, आपकी वीडियोज़ काफ़ी यूज़फुल रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहें सभी लोग। 60 OBC मिर्ज़ापुर से हूँ, बिल्कुल चांस हैं। सर जिसका कार्बन
चुक गया है या क्या उसका नंबर, अरे सब मिलेगा भाई, इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। मैं जनरल 56 क्या हो सकता है, 50 के प्लस होना ज़रूरी। दोस्तों देखिए अभी तो बहुत सारे कमेंट हैं, मैं बहुत ज़्यादा इसको लेंदी नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं एक कंक्लूज़न ये निकल के आ रहा है कि बस यही सबने पूछा है कि सर होगा मेरा इतना है, मेरा उतना है, कटिंग है तो क्या है। और जितने भी नंबर यहाँ पे है दोस्तों, सॉरी जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, 90 प्लस यहाँ पे अर्चना पांडे जी 90 प्लस पे हैं, सेफ होंगी बिल्कुल। 70 यहाँ पे हैं, 55 पे हैं, 80 पे हैं ये, और प्रमोद त्यागी जी 70 प्लस हैं, और सम्राट चौधरी जी 105 प्लस है। कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका है। 51 प्लस अमिता मिश्रा जी, और जितने भी दोस्तों ने कॉमेंट किया 90 प्लस, तो 65 प्लस, और यहाँ पे 50 प्लस हैं, और इस तरह से सभी के यहाँ पे कमेंट हैं। तो दोस्तों आप सभी के आई थिंक 70 प्लस जो भी क्वेश्चन थे, आंसर थे, मैंने मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि आप सभी सेफ हैं अगर 50 प्लस हैं, क्योंकि अभी तो आपकी एकेडमिक मेरिट और BTC की मेरिट और ये सब जोड़ने के बाद फाइनल कट ऑफ तैयार किया जाएगा। इस परीक्षा में सेफ होने की जहाँ तक बात है, मैं ये मानता हूँ कि 50 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं मैं सेफ, मैं जनरल में हूँ, तो बिल्कुल ये सब मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि अभी जब आंसर की आएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितने लोग पास हैं कितने नहीं, और बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये है कि आपकी किसी गलती के लिए आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा। दूसरी बात, आपने जो भी मेहनत से स्कोर किया है उससे आप खुश रहें, किसी बात के लिए आप परेशान ना हो, क्योंकि आपके साथ किसी भी तरह की जो है किसी भी तरह का अन्याय आपके साथ नहीं होगा। और बहुत सारे कमेंट हैं, मैं सबका जवाब नहीं दे पाऊंगा, जिन दोस्तों का नाम नहीं ले पाए उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगले वीडियो में कुछ और दोस्तों के नाम मैं ले पाऊंगा, कुछ उस वीडियो के कमेंट्स हैं, तो इस तरह से मैं आपकी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ ताकि आपकी टेंशन कम हो, ख़त्म हो। आप इसी तरह से चैनल को प्यार देते रहें। जय हिंद।